प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति का जनपद मैनपुरी में शुभारंभ के दौरान एडीजे अजय आनंद आगरा जोन ने महिलाओं व छात्राओं को जागरूक किया। एडीजे ने 112 और 1090 के विषय के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। मैनपुरी के करहल कस्बे में पहुंचे एडीजी अजय आनंद ने सभी महिलाओं छात्राओं को संबोधित करते कहा कि आप लोगों को जुर्म और ज्यादती सहने की जरूरत नहीं है। आप 112 या 1090 पर कॉल करके तत्काल अपनी बात रखें। आपकी तुरंत मदद के लिए पुलिस आपके द्वार पर खड़ी मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मैनपुरी एसपी अजय कुमार ने नारी सुरक्षा व सम्मान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। महिलाओं व छात्राओं की जागरूकता जांचने के लिए उनसे कुछ सवाल भी किए। सटीक व सार्थक जवाब देने वाली कुल 9 महिलाओं छात्राओं को 1,000 रुपए का नकद इनाम भी एडीजी अजय आनंद के द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एडिशनल एसपी मैनपुरी मधुवन कुमार सिंह, एडिशनल एसडीएम करहल रतन वर्मा, सीओ करहल अशोक कुमार, सीओ सिटी अभय नारायण राय, महिला थाना प्रभारी एकता सिंह, थाना प्रभारी कोर्रा रमाकर यादव, यातायात प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे व प्रतिसार निरीक्षक राजीव राय आदि भी मौजूद रहे। 112 एक ऐसी हमारी है कि कहीं भी कोई फोन कर दे, वो किसी भी चीज पर, तो हमारी 10-15 मिनट में गाड़ियां पहुंच जाती हैं। इन सब चीज़ों को उनको जागरूक किया गया, पहले भी जागरूक किया गया है, लेकिन अब ये जो लगातार अभियान चलते रहेगा, अनवरत जो चलेगा अगले साल तक, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इनको इतना बल दे दिया जाए कि इनमें एक सुरक्षा की भावना और प्रबल हो और जागृत हो, आत्मसम्मान की भावना जागृत हो। बहुत सारे हमारे प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उससे वो अवगत हों, उनको पता चले कि उनके लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो आज इसी क्रम में, आज ये दूसरा दिन था, इसी क्रम में मैं यहाँ अपने बहन माताएं और बेटियों से बात करते हैं। सर, इस दौरान अभियान बनाने की बात की गई है, महिला ऑफिस हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क की बात की गई स्थापना करने के लिए। तो महिला हेल्प डेस्क हम कोशिश यही करेंगे, कोशिश क्या कि कम से कम इस 25 तारीख के पहले तक सब जगह हो जाए। कहीं कहीं किसी थानों में रूम की अभी कमी है, जैसे मैं कल हरि पर्वत थाने में एक विशेष रूम का वहां पर शुभारंभ किया गया, जो महिला हेल्प डेस्क के नाम से वो रूम रहेगा, ताकि कोई महिलाएं जाएं तो गोपनीय तरफ से और असुरक्षित होकर अपनी बातें जो वहाँ पुलिस महिला कर्मी उनको बता सके। तो महिला हेल्प डेस्क सभी हमारे आगरा जोन में 25 तारीख तक सभी जगह स्थापित हो। सर, इस दौरान जनपद में अभियान तो रहेगा ही महिलाओं को प्रति जागरूक करने के लिए, क्या पुलिसिंग व्यवस्था में जनपद स्तर पर कोई बदलाव किया गया है? नहीं, देखिए पुलिसिंग तो हमेशा चलते रहता है, इसके अलावा जो पुलिसिंग हमारी वो तो चलते रहती है। अपराध होते हैं, अपराध को रोकना और अपराध हो गया तो उसको डिटेक्ट करना, उसका अनावरण करना, ये तो हमारा सर्वोपरि कार्य है। लेकिन अहम बात यह है कि इस दौरान हम महिलाओं की सुरक्षा के प्रति विशेष अभियान चला के उनको जागरूक करेंगे, और इसमें आप लोगों का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें हमें अपना सहभागिता दें।